Hi guys, welcome to the Yuvamantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. मैंने ना आज एक short video डाला है, जरा उसमें देखिए. मैंने कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की है, उसी के बारे में बात करने वाली हूँ. आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन यूट्यूबर रुचि के ऊपर. बिल्कुल नाम ले रही हूँ क्योंकि उनके जो वीडियोज आ रहे हैं उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन और लड़ाई झगड़ा हो रहा है व्यूअर्स के साथ, वो बिल्कुल ही काबिले निंदा है. मैं बढ़ती हूँ आगे अपने वीडियो के साथ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक और मेरा इंट्रो, एंड उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी. वापस आ गई. मेरे को कल लाइव में कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया कि ये जो जिजी हैं, जो मतलब लाल लिपस्टिक लगाती हैं और श्रीदेवी जैसी लगती हैं, तो ये जो श्रीदेवी हैं अपने वाईटी की, इनके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया. जिस भाई से 25 सालों से ये बात नहीं कर पा रही थी, ही पास्ड अवे. ओके, सो शी वॉज वेरी अपसेट. इनफैक्ट वो जिन जिन लोगों से बात कर रहा था घर में, उनसे भी ज़्यादा अपसेट ये हो गई हैं. और रीज़न ही यही है कि वो 25 साल से इनसे बात नहीं कर रहा था. अच्छा, चलिए ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने पास जगह दे. बहुत ही दुखद खबर है, एंड किसी भी बहन के साथ कभी ऐसा ना हो. अब बात करते हैं कि किस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है. तो क्या हो गया कि इन्होंने एक वीडियो बना दिया. ठीक है, एक वीडियो बनाती हैं जिसमें बताती हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है. चलो ठीक है, आपकी फैमिली है यूट्यूब पे, इतने सारे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप चाहती थी कि आप उनको अपडेट दें कि आपके घर में ये हादसा हो गया है. फेयर इनफ, ठीक है, नो प्रॉब्लम. उस वीडियो में ये लगाती हैं भर भर के एड्स, फिर उस वीडियो में डालती हैं प्रमोशनल वीडियो. कितनी महान हो तुम. एड्स, प्रमोशनल वीडियोस, प्लस एक अपडेट जिसमें किसी की डेथ के बारे में बता रही हूँ. चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ये पहला वीडियो था. लेकिन इनके कुछ जो सेंसिबल व्यूअर्स हैं ना, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या था, ये इतने एड्स क्यों लगे हुए थे. मतलब इनको दिमाग में लगा था कि ऐड ऑन करना है, मल्टीपल एड्स भी लगाने हैं, उसमें सब कुछ करना है, उसमें टाइमली पीआर वीडियो भी डालना है ना. तो सब्सक्राइबर्स ने कमेंट कर दिया कि ये आप क्या तरीका है आपका, ये वो, यही रुकती नहीं है चीज़. उसके बाद अपनी प्रॉब्लम बताती हैं कि हमको जाना है, हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है. नाउ द वे शी बिहेव्ड वॉज एज इफ कि इनके बच्चे जो हैं 10 11 12 साल के, 6 7 साल के हैं. आपके बच्चे तो बड़े हैं, आपके बच्चे तो बहुत मैच्योर हैं. आपने ऐसी व्लॉगिंग की है, ऐसी व्लॉगिंग की है, ऐसी व्लॉगिंग की है कि आपकी जो बेटी है, जो एक्चुअली काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी मैं उसको बोलूँगी कि अच्छी बच्ची है, ऐसी बच्चियाँ होना चाहिए, बहुत अच्छी है, लेकिन उसको आपने उम्र से पहले बड़ा कर दिया. वो दादी अम्मा की तरह बात करती है, राइट. तो उस दादी अम्मा जैसी इतनी बच्ची को आप छोड़ के जा सकती थी ना. शी इज़ अ मैच्योर्ड गर्ल. वो कोई चौथी पांचवी में पढ़ने वाला बच्चा नहीं कि आप रो रही थी कहाँ छोड़े कहाँ. चलिए ठीक है, सब छोड़ छाड़ के गई. उसके बाद वापस आई, वहाँ पे भी इन्होंने व्लॉगिंग की. वहाँ पे इन्होंने पोपट दिखाया कि पोपट आके बाउंड्री वॉल पे बैठा है. फिर इन्होंने दिखाया कि इनकी मम्मी रो रही हैं, कैसे रो रही हैं, वो दिखाया इन्होंने. फिर इन्होंने दिखाया कि कैसे ये लोग उनको समझा रहे हैं, है ना. सब शॉर्ट वीडियो में लगा हुआ है ना. तो जब सब्सक्राइबर्स ने इसके ऊपर भी, वैसे इसके ऊपर भी ऐड लगा हुआ था, पीआर लगातार चालू थे. ये ऐड और पीआर आप हर इनके वीडियो में ना डिफ़ॉल्ट मान के चलिएगा. मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगी क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ. सब लगा हुआ था. सब्सक्राइबर्स का गुस्सा भड़क गया. सब्सक्राइबर्स ने बोला कि भाई तुम ये क्या कर रही हो, ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा है. देखिए कहती है, पुराने वीडियो है, पुराने पीआर के पुराने वीडियो हैं, तो एक काम किया करो ना. एक जिस दिन जो वीडियो बनाती हो ना, अभी जो जैसे तुम कह रही हो फेब में बनाया है वीडियो, तो फेब में ही डाल दो. ठीक, वो पुराने वीडियो हैं, पुराने वीडियो हैं, फेब में बनाए थे, पिछले साल फेब में बनाए थे, उसके पहले फेब में बनाए थे, लेकिन अब डाल रहे हैं, ये एक्सक्यूज़ मत दो. जब बनाओ उसी वक्त डाल दो, ठीक है, बकवास नहीं करने का. तो फिर क्या होता है कि आ जाते हैं दोनों पति पत्नी, ये आगे खड़ी हो जाती कमर तान के, लिप पे टिंट लगा के, और पीछे खड़े हो जाते हैं इनके लहराने और फुपकारने के लिए सब्सक्राइबर पे इनके पति. कहते हैं कि रो रही थी तो क्या वो हम लोग आपको दिखाएंगे. तो सब्सक्राइबर्स को क्या पता रो रही थी कि गिर रही थी कि बेहोश हो रही थी. सब्सक्राइबर्स ने उसकी बात ही नहीं की.
सब्सक्राइबर्स जिसकी बात कर रहे हैं ना, सिर्फ उस पे जवाब दीजिए आप। सब्सक्राइबर्स बात कर रहे हैं कि ऐड क्यों लगाया, पीआर क्यों लगाया। हाँ, एक्सक्यूज तो वही है, हम पैसा ही कमाते हैं, हम यूट्यूब से ही पैसा कमाते हैं, यूट्यूब ही तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। हम नहीं कमाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम अगर ज़्यादा लंबा गैप ले लेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा तो वो होगा। तो देखिए ऐसा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर्स को आपके पति ने जो जो जहर उगला, इनके पति का कहना है कि तुम्हारे घर कोई मरेगा ना तो तुमको पता चलेगा। तो देखिए भाई साहब, ऐसा है, एक दिन आप भी मर जाएंगे, एक दिन मैं भी मर जाऊंगी, आपके बगल में जो खड़ी है ना फ्री देवी आपकी, वो भी एक दिन मर जाएंगी। तो ये मौत है, ये सबको आती है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगी, आपने ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं आएगी अगर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। लेकिन ये कोई तरीका है सब्सक्राइबर से बात करने का? क्या आपको अंदाजा है कि ये वही सब्सक्राइबर्स हैं जिनको आप सुना रहे हैं, इन्हीं की बदौलत आप खड़े होकर सुना रहे हैं? क्योंकि जब आप बीमार हुए थे, जब आप मर रहे थे, तब जब आके आपकी वाइफ ने यही सेम रोना रोया था कि हम यूट्यूबर्स हैं, हम ब्रेक नहीं ले सकते, हमें पैसे की जरूरत है, ना किसी ने रिएक्शन दिया था, ना किसी सब्सक्राइबर ने कुछ बोला था, फुल सपोर्ट किया था आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। जो सांसें और ये जो आपकी जुबान चल रही ना, इन्हीं सब्सक्राइबर्स की कृपा से चल रही है। जिस दिन इन्होंने आपको धुतकार दिया ना कि चला नहीं देखना, आप रोड पे आ जाएंगे। हाँ, अच्छा, इनका कहना है कि जब वो रो रही थी तो क्या वो तमाशा करती? तमाशा आपकी बीवी ने 3 दिन तक रिकॉर्ड किया, ठीक, मैंने लगाया शॉर्ट वीडियो में, सिर्फ बैठ के रो रही है और कैमरा मुंह पे तान के सिर्फ रो रही है और पीछे से वॉइस ओवर कर रही है। मतलब व्हाट अ सिनेमैटिक व्लॉग, इजंट इट? कहता है ये आदमी, जब वो गिर रही है तो क्या हम रिकॉर्ड करें? सब्सक्राइबर को क्या पता वो गिर रही है? सब्सक्राइबर ने तो जो देखा उस पर बात की। आपकी बीवी ने तमाशा किया, आपकी बीवी ने कैमरा ऑन किया, आपकी बीवी कैमरे के आगे रोई, उसने 3 अलग अलग दिन ये काम किया, तो फिर आपके हिसाब से तो वो तमाशा किया ना उसने। तो आप दूसरों को क्या ज्ञान दे रहे हो कि तमाशा 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 करे क्या? तमाशा कर दिया आपकी बीवी ने, एड्स लगा लगा के तमाशा कर दिया, ठीक है? समझ में आई आपको? दिमाग में घुस रही है आपके कि आप अपने को ही रोस्ट कर रहे हैं या अपने को ही जवाब दे रहे हैं, या आप जो करें तो सब सही, लेकिन कोई गलत को गलत बोल दे तो वो एकदम ही बड़ा विलन आपकी जिंदगी में। अच्छा, फिर कहती है इसकी बीवी, अब हम वहां जाते तो हम वहां पे बनाते तो वो अच्छा भी नहीं लगता, पीछे से ये भी फुफकार रहे हैं, हाँ अच्छा भी नहीं लगता, किया तो ये मम्मी है, ये रो रही है, इनको देख के मुझे रोना आ रहा है, वो बगल में बैठी है, वो लड़की इसकी है, नहीं किया? किया ना रिकॉर्ड, तो तमाशा तो किया, ड्रामा भी किया, अच्छा नहीं लगता है पता है, उसके बाद भी किया, और उसके बाद लड़ाई किससे? सब्सक्राइबर से। अच्छा एक चीज बताओ, एक तरफ तुम कहते हो कि आप लोग हमारी फैमिली है, आप लोग हमारी फैमिली है, तो हमने आपको अपडेट किया। अपडेट? ऐसे अपडेट सिर्फ एक कम्युनिटी में काफी होते हैं भाई साहब। उसके लिए आपको 10 वीडियो बना के, उसके अंदर पीआर डाल के, उसके अंदर रोना डाल के, उसके अंदर म्यूजिक डाल के काम नहीं चलता, उसके अंदर एड्स डाल के काम नहीं चलता। समझ में आया आपको? इस चीज से आपके सब्सक्राइबर्स को तकलीफ हुई। अच्छा, ये आदमी कहता है आप हमारी फैमिली हैं, उसके बाद ये आदमी कहता है कि जब आपके घर में कोई मरेगा तब आपको पता चलेगा। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप अपनी फैमिली वालों को जाके ऐसा बोलते हो क्या कि तुम मरोगे तब तुम्हें पता लगेगा? बोलते हो फैमिली है ना, अपनी इमीडिएट फैमिली तो तुम्हारी ढंग की है नहीं, तुम्हारी इमीडिएट फैमिली तुम्हारा सपोर्ट करती है नहीं, आपने अपनी ही माँ की टांग खींच दी वीडियो बना के कि मेरी माँ तो उससे चिढ़ती है, तो क्यों नहीं चिढ़ेगी आपकी माँ? आपकी स्टोरी आई थी ना, आपकी बीवी की दूसरे शादी की स्टोरी आई थी, वहां पे बहुत सारी चीजें खुली कि आपका उनसे अफेयर था और भी ना जाने क्या क्या, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, तो कोई भी माँ चिड़ेगी। कल को आपका बेटा ऐसी कोई ले आया ना विद बच्चा साथ में, तो आपकी बीवी भी चिड़ेगी और आप भी चिड़ोगे, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप नहीं चिड़ रहे हो तो आप महान हो, क्योंकि आपने वो काम करके रखा, इसलिए शायद आपके पास, आपको ऐसा लगता होगा कि अब हमारे पास चिढ़ने का लाइसेंस नहीं है भैया, क्योंकि ये काम तो हम खुद ही करके बैठे हैं, हम बच्चों को क्या समझाएंगे, राइट? तो जो आप लोग इस तरह से लड़ते हो अपने सब्सक्राइबर से, पहले डिसाइड कर लो कि वो आपकी फैमिली है या वो आपकी फैमिली नहीं है, क्योंकि अगर आपकी वो फैमिली है
तो आप अपनी फैमिली में जाके किसी को एक बार बोल के दीजिए कि देखिएगा कि तुम्हारे घर में जब कोई मरेगा तुमको पता चलेगा, वहीं आपका ये जो इतना चल रहा है ना थूथड़ा, वहीं तोड़ के आपको कोने में बैठा देगा आपका ही फैमिली वाला। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया है, आपको क्योंकि इधर से पैसा कमाना है, तो यू हैव टू बी नाइस विद योर सब्सक्राइबर्स, यू हैव टू गिव देम लॉट ऑफ कॉन्टेंट सो दैट यू अर्न डॉलर, तो आपके बच्चे जा सकें स्कूल, पढ़ाई कर सकें, खा सकें आप लोग, तो आपको अच्छा भी होना होता है। तो उसके लिए जो एक ये आप सब हमारी फैमिली है, आप लोग कोई फैमिली नहीं मानते, सब्सक्राइबर्स को मान रहे होते ना, तो जो वीडियो है ना लड़ाई का, और जहाँ पे आपने बोला है कि तुम्हारे घर में कोई मरेगा तो पता चलेगा, तो फैमिली को तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता, ठीक। फिर तो आपने खुद ही, और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपका ये जो कहना है कि मेरी सास ने मुझे नहीं पूछा, मेरी सास ने, भाई आपके भाई की डेथ हुई है, आप उस पर ध्यान दीजिए, फोकस उस पर करिए। आपकी बच्ची छोटी बच्ची नहीं, चौथी पांचवी में पढ़ती नहीं है वो लड़की, ठीक है। वो तो वो लड़की है जो माँ बाप का पहला रिश्ता, दूसरी शादी, सब कुछ डिस्कस कर चुकी है आके सोशल मीडिया पे। वो लड़की अगर 4 दिन अकेले रह जाए तो वो अपने आप को अकेला नहीं संभाल सकती। ओ रियली, किस टाइप के बुद्धि के लोग हैं आप? 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की अकेले खुद को नहीं संभाल सकती। अमेजिंग, गजब। तब वो छोटी टॉडलर बन जाती है, तब उसके लिए बेबी सिटिंग करने के लिए किसी को घर से आना पड़ेगा। एक बुजुर्ग औरत आए और एक अडल्ट लड़की को वो हैंडल करे। थोड़े दिन पहले हुई थी ना 18 साल की तुम्हारी लड़की, 18 साल की एक लड़की, बताइए 4 दिन अकेले नहीं रह सकती अपने घर में? मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग है गाइस, मेरे लिए एक्सट्रीमली शॉकिंग है। मुझे पता है जमाना खराब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि हर लड़की जो अकेले रह रही है उसके साथ कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। भाई ऐसा तो बिल्कुल जमाना नहीं है। ये लोग जो है ना, इनका हर बार का नाटक है। अच्छा, इसका पति कहता है हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूबर हैं, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम्हारे घर में रोटी कैसे चलेगी, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए। बिल्कुल शर्म से डूब के मर जाओ कहीं जाके, क्योंकि तुम्हें जाना चाहिए घर के बाहर। स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, अर्न सम यू नो मनी एंड गिव इट टू योर वाइफ। तुमने क्या गति कर रखी है अपनी वाइफ की, तुमको शर्म आती है? उसके घर में डेथ हो गई, ये उसको बोलता है तुम टेंट लगा लो, तुम ये पढ़ ये कर लो, तुम कैसे घूम रही हो, तुमने इतना क्या हाल बना रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ताकि वो पैसा कमाए, इसलिए तुम उसको दुख में भी बोलोगे सज जाओ, और वो सज भी जाती हो, तो फ्री देवी ही है तो वो तो सजेंगी ही। तो तुम फ्री देवी को तुम अपनी ऐसी हालत में भी सजा देते हो। मैं नहीं कह रही कि किसी के घर में डेथ हो जाए तो बिल्कुल ही एकदम ऐसे हो जाओ करके, नहीं, ये सब करने से जो गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन एक इंसान का दिमाग होता है ना, इंसान एक सामाजिक जानवर है, राइट? तो उसको दुख होता है, और जब दुख होता है तो ये सब करने का मन नहीं करता। भाई तुमने तो उसको वो भी लगवा दिया, किस टाइप के आदमी हो, क्योंकि तुम खुद कुछ कमाने लायक नहीं हो, तो तुम अपनी बीवी को सजा धजा के घुमा रहे हो, पूरे सोशल मीडिया पे गाली तुम्हारे कारण उसको पड़ रही है, क्योंकि तुम नहीं 4 पैसा कमा पा रहे, इसलिए वो 4 दिन का ब्रेक नहीं ले पा रही। शर्म करो। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी मम्मी, तुम अपनी माँ की बुराई कर रहे हो, तो तुमको मैं क्या बोलूं? हाँ, तुम्हारी माँ की तुम बुराई कर रहे हो कि उनको ये नहीं पसंद है, उनको मैं नहीं पसंद है। तो भाई एक एक बात बता दूं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से थप्पड़ बजता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। तो जो थप्पड़ बजा रहे हो ना अपनी माँ के, जरा बंद करो, सोशल मीडिया पे हो तुम, सोशल मीडिया पे ये भाई साहब बोल रहे हैं मेरी माँ तो मुझे जब हो गया था तो वो आई नहीं। कोई भी माँ, कोई भी माँ जब देखेगी कि बहू एकदम छम्मक छल्लो बन करके, फ्री देवी बन करके, लिपस्टिक लगा के पीआर कर रही है, खुश है, ले गई है और सब कुछ करा लेगी, एकदम आप एकदम ये बन जाते हो कि नहीं हम तो बस बाहुबली हैं, हमारे साथ जो भी होगा वो होगा, हम तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे ताकि तुम हमारे दुख में भी ना खड़े हो। लेकिन जब वही लोग दुख में खड़े नहीं होते तब ऐसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। और क्योंकि ये लोग यूट्यूबर हैं, ये आकर के बकवास कर देते हैं और किसी को भी बदनाम कर देते हैं। ये हैं ऐसे क्रिंज व्लॉगर्स। और सुनिए, कहती है नहीं तो हम तो यूट्यूब है, हम तो आप, इसके पति ने बोला कि आपके घर में अगर डेथ होगी तो क्या आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करेंगे? सब करते हैं, सब इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पैसा नहीं कमाते उससे, ठीक? पैसा नहीं कमाते उससे। बाकी के लोग अपने घर में बिल्कुल इन्फॉर्म करते हैं कि फलाने नहीं रहे, ढिमकाने नहीं रहे, इसका उनको पैसा नहीं मिलता, तुम लोग को पैसा मिलता है, और तुम लोग के पास ऑप्शन है कि तुम सिर्फ इन्फॉर्म करो, पैसा मत कमाओ, लेकिन तुम लोग पैसा कमाते हो। और एक तरह से नहीं कमाते,
एड्स तो ऑन करते ही करते हो, साथ में पीआर भी करते हो, और भाई गजब तुम लोगों को शर्म है। ऊपर से तुम फिर उन लोगों को जिनके बदौलत तुम खड़े हुए हो उनको तुम बोलते हो तुम्हारे घर में कोई मरेगा तो तुमको पता चलेगा। तुमको पता है तुमने क्या किया है? तुमको पता है तुमने अपना कर्मा कितना खराब किया है? जो लोगों ने आपको जीवन दान दिया, जब आपके परिवार वालों ने आपको हकाल दिया था, कोई पूछने नहीं आ रहा था, तब उन लोगों ने आपको व्यू दिए, जब ये सब्सक्राइबर हाथ में फोन उठा के यूट्यूब ऑन करके आपके चैनल पर आते हैं ना, उस वक्त आपके अन्नदाता बने हुए रहते हैं। समझ में आई आपको? आप जैसे लोगों के तो खास, जिनका घर ही यूट्यूब से चलता है, जिन्होंने ये खुद उगला है अपने वीडियो में, तो आपके लिए आपके सब्सक्राइबर्स अन्नदाता हैं। थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी हैव सम ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम, ठीक। और जब आप उनको अपनी फैमिली बोलते हो तो एक चीज बताना, तुम्हारी फैमिली में बचपन से लेके अभी तक तुम दोनों की, श्रीदेवी और उसका फ्री हस्बैंड, दोनों की फैमिली में कभी जब तुम लोगों ने गलती की होगी बचपन से लेके बड़े तक, किसी ने सुधारा नहीं? और जब किसी ने सुधारा तो क्या ऐसे ही लड़ते थे? जब आपको कोई कुछ सही बताता है तो आप लोग लड़ते हो सोशल मीडिया पर आकर के, क्योंकि वो सब्सक्राइबर है जिनको आप अपनी फैमिली कहते हो पर मानते नहीं हो। क्योंकि जब आपकी फैमिली में आपको कोई सुधारता है ना, आप इस तरह से नंगे होके उससे लड़ाई नहीं करते, उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं अगर आप अकलमंद हैं तो, लेकिन अगर आप लड़ते हैं तो आप चूतिया हैं, है ना। तो इन सब्सक्राइबर्स को या तो अपनी फैमिली कहना बंद करो, और अगर फैमिली कह रहे हो तो ये सब बकवास बंद करो, क्योंकि तुम हर बार आ जाते हो लड़ने, वो पीछे खड़े होकर लहराते रहते हो शेषनाग बन के ऐसे फुस फुस फुस, और ये मैं गलत हूँ क्या, मैं गलत हूँ क्या? आप 110% गलत है मैडम। आपने कहा कि हम रिकॉर्ड नहीं करते, आपने 3 दिन अपना रोना रिकॉर्ड किया है, और फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर की आपको शर्म आनी चाहिए, आपने अपने दिवंगत भाई की फोटोएं दिखा दिखा के पैसा कमाया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको सिर्फ कम्युनिटी में डालना था ना, आपने डाला ना कम्युनिटी में, कम्युनिटी से पैसा नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं कहता आपको। आप लोगों को शर्म आती है कि जो चला गया है उसकी मौत की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो, क्योंकि सबको वहीं जाना है, आपको मुझको और जितने भी लोग हैं सबको, दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ, ठीक। तो किसी की मौत पे इस तरह से पैसा ना कमाए। अब आप खुद सोचिए गाइस, जिस आदमी ने इससे 25 साल तक बात नहीं की, वो इनकी ये हरकत जहां भी होगा वहां से देख के क्या बड़ा खुश हो रहा होगा कि वाह मेरी बहन तो दे वीडियो छाप रही है, कहती है ये नौकरी पे चली गई, वो नौकरी पे चली गई। नौकरी पे जाकर के ना ये सब आपका जो है ना, आप ग्लैमर के बिजनेस में हैं और आपके हाथ में है कि आप कितने दिन छुट्टी ले सकते हैं। अब ये आपका दर्द तो मैंने देख ही लिया, झलक ही गया कि घर ही चलता है इससे, तो हम छुट्टी तो ले ही नहीं सकते। तो ठीक है बहन, ठीक है, जब आपको सच में दुख होगा ना, कभी कभी कोई ऐसा चला जाएगा जब आपको सच में बहुत दुख होगा, तब आप यही सारे एक्सक्यूज दे करके व्लॉगिंग पीआर उसमें ऐड लगा के करके दिखाइएगा, तब मैं मानूंगी कि आप एक अच्छी यूट्यूबर हैं। एंड डोंट कॉल योरसेल्फ इन्फ्लुएंसर, यू आर नॉट गिविंग अ राइट सोशल मैसेज टू द सोसाइटी, सो आई डोंट कंसिडर यू एज एन इन्फ्लुएंसर, यू आर जस्ट अ लेडी हु इज एक्टिंग लाइक अ मॉडल फॉर डिफरेंट कंपनीज एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड दैट इज इट। That does not makes you an influencer. आप क्या influence कर रही है लोगों को? आप influence कर ही नहीं सकती। किसी और इन्होंने एक चीज ये भी बोली, इनकी सास को ये पसंद नहीं क्योंकि ऐसे रील बनाती हैं, ये इनका काम है, किसी भी सास को पसंद नहीं आएगा। आप you do not carry yourself with grace. आपकी जो उम्र है उस हिसाब से अगर आप रील बनाएंगी, I'm not saying कि इस उम्र में ऐसी रील या उस उम्र में वैसी रील, नहीं, आप जो रील बना रही हैं ना बहुत अच्छी रील बना रही हैं, आप वैसी रील बना सकती हैं, विद ग्रेस बना सकती हैं, लेकिन आई डोंट सी दैट इन यू। एंड मुझे आप बिल्कुल फ्री देवी ही लगती हैं, और आप काम भी ऐसे फोकटिया वाले करती हैं, तो आगे से अपने सब्सक्राइबर्स से ना लड़ें, आगे से इस तरह की गंदी हरकत ना करें। जहाँ पे आपको सिंपैथी चाहिए ना सब्सक्राइबर्स की, वहाँ एक कम्युनिटी आप डालेंगी तो काफ़ी हो जाएगी। एक चीज़ और इसने बोली कि मैं ऐसे वीडियोस इसलिए डालती हूँ ताकि आप लोगों की प्रेयर्स मिल सकें, जब मेरा पति बीमार था मैंने वीडियो डाला ताकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जब आपका पति बीमार था आपने तब भी पीआर किया था क्योंकि तब आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपने तब भी बहुत सारी लिपस्टिक बिंदी लगा के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस डाले थे, राइट। किसी ने कुछ बोला नहीं था क्योंकि सब चाहते थे कि आपके पति जैसे भी हैं जो भी हैं ठीक हो जाएं,
ये वही सब्सक्राइबर हैं जिनको आज आप धुतकार रहे दोनों पति पत्नी खड़े होकर के, समझ में आई आपको? और ये कहना कि आपकी ब्लेसिंग्स की ज्यादा जरूरत थी, तो फिर बहन सिर्फ ब्लेसिंग ही लेती रहती ना, डॉक्टर की क्यों, डॉक्टर के यहाँ क्यों चली गई, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, क्यों जाते हो हॉस्पिटल, मत जाया करो। इनफैक्ट अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको लगता है ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी जानती हूँ कि ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसके लिए इतने सारे वीडियो बनाने पड़े, इतनी सारी ब्लेसिंग्स से कुछ अलग हो रहा हो, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा हो ना, तो प्लीज डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर का मुंह मत देखिएगा। आप जो फीस डॉक्टर्स को देने वाली हैं, वो फीस आप कुछ बड़े चैनल्स को दे दीजिएगा, कुछ बड़े चैनल्स चार्ज करते हैं, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, और उनसे बोलिएगा मेरे पति का मुंह दिखा के इनके लिए ब्लेसिंग मांग लो। और अगर ब्लेसिंग्स से बहुत कमाल होता है, जिसके कारण जो आप एक्सक्यूज के तौर पे यूज करती, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, तो ट्राई करिए, ट्राई दिस, डू नॉट गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि ये लोग यार हॉस्पिटल से भी ब्लॉगिंग करते हैं, इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है, पता नहीं इनके हाथ में ये इतनी हिम्मत आता से जाती कि अगला तकलीफ में है और कैमरा उठा के देख कैमरा देख कैमरा देख कैमरा, नहीं पसंद करते फैमिली वाले, बहुत लोग नहीं पसंद करते, इसलिए आप लोग को सब हकाल देते हैं फैमिली से, पता है? बहुत से ब्लॉगर्स तो बोलते हैं हमारी फैमिली में ये नहीं हमसे मिलते, वो नहीं हमसे बात करते, यही कारण है, एवरीबॉडी इज नॉट कैमरा फ्रेंडली, आप लोग सबकी प्राइवेसी में जाकर के दीमक की तरह नहीं घुस सकते हैं, इसलिए लोग आप लोग से दूर भागते हैं, और वो कुछ गलत नहीं है, इफ दे डोंट वांट टू अपीयर ऑन सोशल मीडिया लाइक दिस थ्रू योर वीडियोस, दे'ल अवॉइड यू, दे हैव नो अदर ऑप्शन, सो उनको बैड माउथ करना, क्योंकि वो तो हमसे बात नहीं करती, वो तो जिसके हाथ में 24 घंटे कैमरा रहेगा कौन बात करेगा, मैं खुद भी बात नहीं करूंगी उससे, मैं खुद भी नहीं बात करूंगी, ठीक है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया विद कंसेंट, लेकिन आप लोग किसी का कंसेंट नहीं लेते, आप लोग को लगता है हम ब्लॉगर हैं तो हमारे तो क्या, हमारे तो व्लॉग में आना शान है, नहीं नहीं नहीं, सबके लिए शान नहीं है, दोज हु आर नॉट कैमरा फ्रेंडली उनके लिए शान की बात नहीं। और ये जो आप लोग झूठ बोलते हो ना, इतना झूठ भाई, आपका भाई चला गया है, थोड़ा सा शर्म करो, उसकी आत्मा को शांति से रहना तो जहाँ रह रहा है, उसकी मौत पे तुम इतना पैसा पीट रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए बहन, शर्म आनी चाहिए फ्री देवी, तुमको मैंने टेंट लगाया है, अरे तुम दुल्हन बन के घूमो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो गया है उसको दुख होगा, उसको तकलीफ होगी, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक जानवर ही है ना, हाँ, लेकिन तुम तो पता नहीं किस टाइप के जानवर हो यार, हमको नहीं पता ये व्लॉगर्स किस टाइप के जानवर, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा है कि किसी की मौत पे तुम लोग इस तरह से पैसा कमाते हो, जब वो जो इंसान चला गया है, अब तो उसकी प्राइवेसी रहने दे थोड़ी सी बहन, अब तो प्राइवेसी रहने दे है, एक वो टुच्ची है, वो जाके उधर से शमशान से जलती हुई चिता का वीडियो डाला उसने, वो एक द रॉट वाली है, दादाजी की चिता दिखा रही है, ये लोग इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि मतलब सीमा ही नहीं है भाई, और लोग बोलते हैं वाह दीदू वाह दीदू वाह दीदू, लोग भी ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज के लाए इन लोग, मतलब क्या क्या इन लोगों बोले। मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड यस देख लो ये साइक्लोन की मम्मी बगल वाले प्लॉट में जाके अपना खेत बना लिया, पौधे वौधे उगा दिए, पता नहीं उन्होंने उगाए किसी और ने उगाए, अपना क्लेम कर दिया, ऐसे होते हैं ब्लॉगर्स, कुछ भी करते हैं, मतलब इधर उधर जाओ कहीं पे भी रैंडम जाके पेड़ पौधा उगा के खेती कर दो, बोले ये हमारा खेत है, मतलब गजब है, ये हैं आज के ब्लॉगर्स, ये किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे आपको लगता है, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इन लोगों को ऐसे ब्लॉगर्स को बिल्कुल ना देखिए। मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत दिल दुखा है इसको रोज करते हुए, क्योंकि इसके लाइफ में इस वक्त ऐसा कुछ चल रहा है जो जिसपे मैं किसी को परेशान नहीं करती, पर इसने हरकत ही ऐसी की है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी भी एक सेकंड का भी दुख है, जो जितना रोना धोना ये कर रही है ना, सब कैमरा के लिए, एवरी थिंग इज जस्ट फॉर कैमरा। मैं तो कहती हूँ तुम ग्लिसरिन लगा के रोती हो, चलो प्रूफ करोगी तुम सच में रोती हो, तुम जितनी बार आओगी जितनी बार रोगी मैं बोलूंगी तुम ग्लिसरिन लगा के रोती हो, तुम ग्लिसरिन लगाती हो फिर तुम आती हो फिर तुम लाइट कैमरा एक्शन करती हो, उसके बाद तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, और उसके बाद उस वीडियो पे लगता है एड, उस वीडियो में डाला जाता है पेड प्रमोशन, उसके बाद तुम्हारे घर में रोटी सिकती है, चाहे कोई मर जाए चाहे किसी को कुछ भी हो जाए, ये व्लॉगिंग नहीं है, छी है ये, छी थू है ये, शेम ऑन यू, बाय गाइस, टेक केयर।